हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको बताऊंगा बाउंसिंग बॉल फ्लैश के अंदर बाउंसिंग बॉल कैसे बनाएंगे। एक ऐसा बॉल बनाएंगे जो हमारे गाइड के अनुसार, हमारे लाइन के अनुसार बाउंस करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्लैश के अंदर बताना है, अगर आपके पास फ्लैश 5 है या जो भी आपके पास वर्जन है, प्रोसेस सबका सेम है। तो सबसे पहले क्या करें, फाइल में जाएँ, न्यू। न्यू करने के बाद फ्लैश डॉक्यूमेंट, ओके। ये मेरा पेज खुल गया। अब क्या करें, ओवल शेप पे क्लिक करें। करने के बाद छोटा सा एक बॉल नुमा शेप ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद सिलेक्ट करें फ्रेम, 60 फ्रेम पे क्लिक किया। करने के बाद मॉडिफाई में जाएं, टाइम लाइन। टाइम लाइन के बाद कन्वर्ट टू की फ्रेम। करने के बाद लेयर वन के इस हिस्से पे क्लिक करें। करने के बाद इंसर्ट में जाएं, टाइम लाइन क्रिएट मोशन ट्विन। हो गया। अब क्या करना है, हमें एक अलग सा लेयर लेना है, गाइडलाइन लेयर जिसको बोलते हैं। तो इंसर्ट में जाएं, टाइम लाइन मोशन गाइड, मोशन गाइड पे क्लिक कर दें। करने के बाद ये लेयर वन के ऊपर आपको एक अलग सा लेयर दिखाई देगा जिसके ऊपर लिखा रहेगा गाइड। उसके बाद क्या करें, ये पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल, इस पर क्लिक करें। करने के बाद इस जगह, पेज के इस जगह ड्रॉ करें जिस तरह का हमें मोशन देना चाहते हैं, इस तरह ड्रॉ कर दें। ये जैसे ही आप लाइन ड्रॉ, आपका ड्रॉ करना ख़त्म होगा, एंड होगा, बॉल खुद ब खुद इस जगह से लाइन पे चला आएगा। उसके बाद क्या करें, पिक टूल, ये सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करें। करने के बाद बॉल को आपको गाइड देना है कि कैसे मूव होगा। तो बस इस लाइन के ऊपर आप बॉल को ऊपर और नीचे ले जाएं। ये अब इसे प्ले करके देखें। कंट्रोल में जाएं, प्ले, ये देखिए मेरा बॉल मूव कर रहा है। फिर से देखिए, कंट्रोल में जाएं, प्ले, ये मेरा मूव कर रहा है। इसे अगर अलग से देखना है, कंट्रोल में जाएं, अलग सा विंडो में देखना है, तो टेस्ट मूवी पे क्लिक करें, ये आपको दिखाई देगा। ये बाउंस कर रहा बॉल, ये देखिए दिखाई दे रहा। तो आपने देखा कैसे मैंने एक बाउंसिंग बॉल फ्लैश के अंदर तैयार किया, और ये लूप होता रहता है, हमेशा चलता रहेगा जब तक आप इसे स्टॉप ना करें। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब, कैसे हम बाउंसिंग बॉल फ्लैश के अंदर बनाएंगे। धन्यवाद।